How to fix Redmi 8A bottom screen not working problem। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने बॉटम स्क्रीन या फिर बॉटम टच अगर काम नहीं कर रहे तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो पर दोस्तों मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों होता क्या है, आपका जो स्क्रीन है ठीक है, उसमें जो टच होते हैं बॉटम का, तो वो चीज़ काम नहीं करते। तो अगर दोस्तों आपको भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू आ रहा है, तो आज की इस वीडियो को देखें और जानिए कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर से करना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर हमें करना क्या है, अगर हमारा जो यहाँ पर स्क्रीन या फिर हमारा जो बॉटम का टच है वो काम करना बंद कर देते हैं, तो दोस्तों आप एक बार फ़ोन को रिबूट करके देखें। अगर रिबूट से काम बन जाता है तो ठीक है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर रिबूट से काम नहीं बन रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप दोस्तों यहाँ पर अबाउट फ़ोन पर जाके सॉफ्टवेयर को अपडेट करके यूज़ कर सकते हैं ठीक है। या तो फिर दोस्तों आप यहाँ पर जाइए नीचे पर और एक्सप्लोर न्यू फ्यूचर्स में जाइए, क्विक बॉल भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है। क्विक बॉल से दोस्तों आपको काफ़ी सारा जो है मदद यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे कि बैक करना स्क्रीन को, रिसेंट बटन ओपन करना, और अपना जो यहाँ पर दोस्तों क्या है ये सेटिंग, बैक बटन, रिसेंट बटन और होम बटन ठीक है। तो वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा बिल्कुल आसानी से, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मान लीजिए आपका जो प्रॉब्लम है इससे आसान नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप दोस्तों एक ईजी रोटेट स्क्रीन भी ले सकते हैं। प्ले स्टोर में जाके इस तरह का कोई एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा ठीक है। तो यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जाने के बाद आपको कुछ परमिशंस होगा वो अलाउ करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, लैंडस्केप ठीक है, लैंडस्केप मोड को सेलेक्ट करना है, स्टार्ट में क्लिक कर देना है। जैसे ही स्टार्ट में क्लिक करोगे आपका स्क्रीन इस तरह का हो जाएगा ठीक है। तो अभी दोस्तों आप बैक करके भी यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस तरह का स्क्रीन आपका हो जाएगा। तो आप बॉटम टच यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं चाहिए तो इस ऐप को दोस्तों जाके आप स्टॉप कर दीजिए, वो बंद हो जाएगा ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ काम करते हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये चीज़ यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो आपको टच जो है वो जाके फिक्स करवाना होगा किसी टेक्नीशियन के पास से ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये सॉल्यूशन तो दे दिया है, लेकिन फिर भी आपको ये यूज़ नहीं करना है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप दूसरा एप्लीकेशन भी ले सकते हैं अपने प्ले स्टोर पर जाके। तो उसमें जाके आपको टाइप क्या करना है, रोटेट स्क्रीन ठीक है, रोटेट स्क्रीन करके आपको टाइप करना है, तो आपको मिल जाएगा काफ़ी सारे एप्लीकेशंस, तो उससे आप अपने जो बॉटम स्क्रीन है उसको यूज़ कर पाओगे ठीक है। क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है, टच में खराबी आने की वजह से इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है, तो अगर आप टच बदलवा लेते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं ठीक है, और टेक्नीशियन भी आपका ये प्रॉब्लम फिक्स करके दे सकते हैं। तो बस दोस्तों यही सब मैं आपको टिप्स देना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों इस तरह का जो टच स्क्रीन का जो प्रॉब्लम आते हैं वो सब हम सॉफ्टवेयरली काफ़ी देर सॉल्व नहीं कर सकते ठीक है। तो काफ़ी हद तक हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर की मदद से, जहाँ तक हम ट्राई कर सकते उतना कर सकते, सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट करके देख सकते हैं, फ़ोन को रिबूट कर सकते हैं, फ़ोन पे जितने भी बैड एप्लीकेशन से उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं ठीक है। अगर बैड एप्लीकेशन आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, वो एप्लीकेशन होते हैं जो आप प्ले स्टोर के बाहर से कोई भी अननोन वेबसाइट से इंस्टॉल करते हैं ठीक है, तो उन सब से वायरस वगैरह आ जाते हैं, फ़ोन लैग करते हैं, टच काम करना बंद कर जाते हैं, तो वो सब डिलीट करके आप देख सकते हैं। तो बस उनके मदद से आप प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कीजिए, अगर उनके मदद से नहीं हो रहा है तो आपको हार्डवेयरली का इशू हो सकते हैं, टेक्नीशियन के पास जाइए तो वो भी फिक्स कर देगा। तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतने, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।